चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5। आज लेक्चर नंबर 5 है ना। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग ने चार्जेस पढ़ लिया है, फोर्स पढ़ लिया, बिटवीन चार्जेस फोर्स कितना होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी पढ़ ली है, ठीक। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको बताया था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी किसी प्रकार का फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। अब ये जो इमेजिनरी फोर्स है, मतलब कह सकते हैं नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स है, उसका जो कॉज है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या है, एक कैटेगराइज इधर बाय अ वेक्टर फंक्शन। कैसे डिफाइन करते हैं, एक वेक्टर फंक्शन से डिफाइन करते हैं, यानी कि वेक्टर बोला मैंने तो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जो कि क्या है, डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। बिकॉज बिना डायरेक्शन के हमें कैसे पता चलेगा कि चार्ज मेरे बगल में है, उस पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहता हूँ कि कॉज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसकी तरफ, तभी तो सोचे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और चार्ज उधर बैठा, फोर्स लगेगा नहीं। इसका मतलब है इट इज अ डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसका मतलब एक वेक्टर फंक्शन जिससे कैपिटल ई, जिस कैपिटल ई वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ गया। और बाय अ स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहते हैं कि या फिर हम इसको एक स्केलर फंक्शन से भी डिफाइन करते हैं, जिसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, तो कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन स्पेस इज आल्सो विजुलाइज्ड ग्राफिकली इन टर्म्स ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, एक लाइन ऑफ फोर्स के डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पोटेंशियल एंड लाइन ऑफ फोर्स आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द सेम फील्ड। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल और लाइन ऑफ फोर्स, ये तीन अलग अलग तरीके हैं सेम फील्ड को दर्शाने के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कह रहे हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी बिंदु पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू फोर्स, यानी कूलम्बियन फोर्स होता है, अपॉन जो भी जिस चार्ज के ऊपर हम लगा रहे हैं। जैसे कि हम मानेंगे कि पॉइंट पी पर एक क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है। अब मैंने जब बोला टेस्ट चार्ज का क्या मतलब होता है, तो टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि यहाँ पर ध्यान रखना, एक ऐसा चार्ज है जो कि फोर्स फील तो कर सकता है लेकिन फोर्स वो लगा नहीं सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि फोर्स फील करेगा लेकिन लगा नहीं सकता, ठीक है। मतलब कि हमने सीखा था कि Q1 Q2 दो चार्ज होते हैं, इनके बीच की दूरी R होती है, तो फिर क्या कहेंगे कि Q1 के ऊपर Q2 भी फोर्स लगाएगा और Q2 के ऊपर Q1 भी लगाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, जब टेस्ट चार्ज अगर हम रख देंगे तो Q1 तो Q2 पे फोर्स, Q0 पे फोर्स लगाएगा लेकिन Q0 Q1 पे फोर्स नहीं लगा पाएगा, बिकॉज वो बहुत ही छोटा चार्ज होता है, उसका मैग्नेट इतना कम होता है कि वो फोर्स नहीं लगा पाता है। समझ में आया कि नहीं आया, चलो तो ये हो गया इसकी बात। अब बात करते हैं जो फॉर्मूला लिख दिया हमने, इसको डिफाइन करते हैं कैसे करेंगे। तो ये कोई भी पॉइंट चार्ज बच्चे अपने चारों तरफ थ्री डायमेंशनली, जैसे एक कैनवस की बॉल ले लो और उस बॉल के सेंटर पे स्फेरिकल होती है बॉल, है ना, जैसे धरती का आकार होता है स्फेरिकल, उसमें जो सेंटर पर चार्ज रखोगे तो आपको एक त्रिज्या बनेगी, यानी कि रेडियस जब आप बनाओगे तो रेडियस जब सारे आप बनाओगे तो आपको एक स्फेरिकल शेप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक सिंपल छोटी सी बॉल ले लेना, उस पर ढेर सारी सुई क्या करना, अलग अलग डायरेक्शन से लगा देना, तुम्हें जो शेप मिलेगा वो सारी सुई क्या है, जो दिशा बाहर को दिखाएगी वही दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, कहाँ से, सेंटर से निकलते हुए। तो कहते हैं कि जब भी कोई पॉइंट चार्ज होता है तो अपने रेडियस वाली जितनी रेडियस पॉसिबल है उन सारी रेडियस की दिशाओं में वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ छोड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रिलीज करता है। तो ये जो फील्ड है वो हर दिशा में जा रही है और ये तीनों दिशाओं में बराबर जाती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी में से अगर हम सिर्फ किसी एक बिंदु की बात करेंगे, किसी एक पॉइंट की बात करेंगे बेटा, तो एक आउटवर्ड फील्ड होगी या नहीं होगी, जो कि रेडियस वाली लाइन पर लाई करेगी कि नहीं करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो यहीं पर जो फॉर्मूले किताबों में होते हैं लिमिट क्यू नॉट टेस्ट टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लो, ठीक है। इसका मतलब है कि क्यू नॉट जो है या फिर क्यू नॉट जो है, जो आपका टेस्ट चार्ज है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, वो जीरो के आसपास, जैसे मान लो 0.1 कूलम, मैंने क्या बोला 0.1 कूलम। पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने सेंटर से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ता है, जबकि निगेटिव चार्ज अपनी तरफ सारी फील्ड को लेकर के आता है। जैसे कि ये निगेटिव चार्ज है तो उसके सेंटर की तरफ सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आकर के खत्म होगी। जो मैंने ये डायग्राम बनाया इसी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया, ये लाइंस में यूज कर रहा हूँ, इसी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये सेंटर की तरफ आ रही है, ओके, ये निगेटिव चार्ज के लिए और ये पॉजिटिव। चल लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड ये क्या है फॉर निगेटिव, समझ में आया, निगेटिव चार्ज के लिए और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, समझ में आया। और लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का क्या अर्थ होता है ये भी लिख देता हूँ। इसका मतलब है क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल चार्ज, क्या है, बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है, ओके। तो इतना समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, तो प्रूफ कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और कैसे लिख सकते हैं, तो हम क्या इसको मिटा दें, ठीक। तो देखो फोर्स आप जानते हैं, फोर्स कौन क्या के क्यू क्यू नॉट अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी आर है, तो आर स्क्वायर, आर से मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं, ठीक है, और इनटू क्या है 1 अपॉन क्यू नॉट में कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बना, तो यहां मैं मॉड लगा दूं अगर, तो क्या बन जाएगा ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समझ में आया। तो ये रही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, सही है, समझ में आ रहा है। तो सर वेक्टर में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म भी लिख लो, वेक्टर फॉर्म भी कर लो। वैसे ये जो नोट है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लिखा हुआ है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज अ फिक्टिशियस चार्ज दैट एग्जर्ट नो फोर्स ऑन द नियर बाय चार्ज, कहने जो आसपास के चार्ज पे कोई फोर्स नहीं, यही तो मैंने बताया था, बट एक्सपीरियंस फोर्स, लेकिन उसके ऊपर बल लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया था, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है तो मुझे यहाँ मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटा दूं क्या, वो मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डायग्राम भी दोबारा मैं बताऊंगा बना करके, ये मैं मिटा के इन्हीं लिख देता हूँ। तो देखो इन वेक्टर फॉर्म, तो जरा मुझे बताओ क्या जो हमारा रेडियली और रेडियस को अगर पोजीशन वेक्टर हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आर वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, वही डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो इसका मतलब है अगर सिर्फ हमें पोजिशन वेक्टर का क्या मिल जाए, सिर्फ डायरेक्शन मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मैंने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था, बड़ी मेहनत से इसीलिए पढ़ाया ताकि दोबारा मुझे ये सब दिक्कतें ना आए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है, और यूनिट वेक्टर को जानते ही, यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए हम उसका वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, दैट इज आर क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब इनटू आर वेक्टर, यही तो होगा ना, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर भी आपने सीख लिया है, अब बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, इनके गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े, चलिए देखिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इट इज अ वेक्टर
डायरेक्शन इज द सेम एज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज. क्या बोला, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी डायरेक्शन सेम होती है जैसे कि बल होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. बट अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, तो रिवर्स हो जाएगा, है ना. नेगेटिव चार्ज में फील्ड अंदर आ जाएगी और लेकिन उसी के साथ साथ फोर्स भी तो अट्रैक्टिव हो जाएगा. तो हम लोग इस पे गहन अध्ययन करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी के लिए. तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे डायरेक्शन होगी भाई फोर्स की, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी. ठीक, बट हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, परेशान होने की बात नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे. क्या लिखा है मैंने, मैंने भी तो ऐसे बनाया था. मैंने कहा था ना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी. यही तो बताया मैंने. ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है वाई, लेकिन निगेटिव चार्ज के कारण ये क्या होगी, हमेशा टूवर्ड्स एट, यानी कि निगेटिव चार्ज अगर होगा तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी तरफ आती हुई हमें देखने को मिलेगी. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. डायग्राम अगर शॉर्ट नोट्स की तरह बनाते रहेंगे तो आपको पॉइंटर्स पढ़ने में मजा आएगा. ठीक है, अगला उसका यूनिट क्या होता है. जब भी यूनिट लिखा रहेगा तो क्या लिखा है, SI यूनिट लिखा हुआ है. तो फॉर्मूला क्या बना था, फॉर्मूला बना था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज. जिस भी चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं अपन, है ना, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम. तो ये इसका मतलब है, सही लिखा हुआ है, न्यूटन पर कूलम. ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका, डायमेंशन. हिंदी में कहते हैं विमा. तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान होता है, हम लोग को फोर्स का डायमेंशन पता है, दैट इज एमएलटी माइनस 3 और माइनस 2. चार्ज का क्या होता है, एटी, यही तो होता है. और एटी को ऊपर लेके आएंगे तो ए की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1, और टी की पावर हो जाएगी माइनस 1, और दोनों जब एड होंगे तो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3. डायमेंशन हो गया एमएलटी माइनस 3 ए माइनस 1. जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं नीचे कर रहा हूँ. तो फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक, इससे हमें मिल गया न्यूटन पर कूलम. अगर डायमेंशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा एमएलटी माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा एटी. जब एटी को ऊपर लेकर के आएंगे तो एमएलटी माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा ए माइनस 1 टी माइनस 1. आपको अच्छे से पता है सेम क्वांटिटी होती है, पावर क्या हो सकती है, ऐड हो जाती है. तो ये बन जाएगा MLT माइनस 3 A माइनस, देखिए मिला लीजिए सेम. फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन नेगेटिव चार्ज. क्या बोला भैया, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ये चीज, यही चीज मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि हम इसको वेरीफाई करेंगे. कह रहे हैं कि जो आपका फोर्स है किसी भी पॉइंट चार्ज पे वो सेम दिशा में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है. लेकिन जो फोर्स होगा नेगेटिव चार्ज पे वो अपोजिट होगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो एक जगह साथ देगी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक जगह नहीं देगी. समझ में आ गया. ये इट ओबेज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मैंने कहा था कि हर जगह काम आएगा. सुपरपोजिशन का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास ढेर सारे चार्जेस हैं, ठीक है, आसपास, और हमने कहा किसी एक चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हमने कहा क्यू नॉट बेचारा यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, बगल में Q1 भी है, बगल में Q2 भी है. समझ में आया. तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, Q1 लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मिल जाएगी, Q2 लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मिल जाएगी. सुपरपोजिशन का मतलब है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर Q0 पे किसी ने पूछा मुझसे तो मैं क्या करूंगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर कर दूंगा, मुझे E on Q0 मिल जाएगा कि टोटल लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 पे कितनी होगी. समझ में आ रहा है मजे से, ठीक है. ये है सुपरपोजिशन, पहले मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी मैं आगे फिर से एक बार रिवाइज करूंगा, ठीक है. द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द वेक्टर इज द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट एनी गिवन पॉइंट. तो यही चीज बोला है, जो मैंने समझाया है कि कह रहे हैं जो फील्ड होगी, फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी चार्ज पर, वो आसपास के सारे चार्जेस के द्वारा लगाई गई अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा, वेक्टर एडिशन होगा. समझ में आया कि नहीं आया.
तो वही चीज को हेडिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब होता है बिखरे हुए, ठीक है क्या भाई, बिखरे हुए अलग अलग चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये बगल में अच्छा सा फिगर बना हुआ है, उसको ध्यान से देखिए और उससे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, जैसे मान लो अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम्हें डर इसलिए लगा क्योंकि इतने ढेर सारे चार्ज देख लिए, अगर तुम एक ही चार्ज देखते तो तुम्हें क्या मिलता? तुम कह रहे थे ये R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर है ना इनके बीच का, फिर Q2 कह रहे थे R2 वेक्टर है, फिर कह रहे थे R3 वेक्टर है ना, और फिर कह रहे थे R4 वेक्टर, यही तो कहोगे ना। और ये QI का मतलब तुम कह दोगे RI वेक्टर है, यही तो कहोगे है ना, और कुछ तो नहीं कहोगे। मैग्नीट्यूड कहोगे सर R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R1 हो जाएगा, R2 वेक्टर का R2 हो जाएगा, डायरेक्शन एरो जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यही तो कहोगे ना सरल भाषा में, ठीक है, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर लगने वाला जो फील्ड है क्या वो सिर्फ Q1 की वजह से है? आंसर इज नो, Q1 भी लगा रहा है सर। आंसर इज यस, Q1 लगा रहा है अपना, Q2 अपना लगा रहा है, Q3 अपना लगा रहा है, Q4 अपना लगा रहा है, और QI अपना लगा रहा होगा, है ना। हजार होंगे तो हजार लगाएंगे, I की जो वैल्यू आप पुट कर दोगे, I की वैल्यू 10 बोल दी, तो तुम कहोगे फिर सर Q5 भी होगा, Q6 भी होगा, Q7 होगा, Q8 होगा, Q9 होगा और Q10 होगा। I मैंने ऐसे छोड़ दिया कि कितने भी हो सकते हैं, राइट। सुपरपोजिशन पढ़ाते समय मैंने बोला था कि अभी जस्ट बोला है क्लास में, अभी इसके जस्ट पहले स्लाइड में मैंने बोला कि दो चार्जेस थे, तो क्या लिखा था मैंने अभी, तो लिखा था E total is equal to E1 plus E2 लिखा था ना, तब तो तुमने सवाल नहीं पूछा। तो चार चार्जेस हो गए तो तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुमने उस टाइम पर ध्यान से नहीं सुना। अब फिर से सुनो, तो सुपरपोजिशन ये कहता है कि जब भी अगर एक से ज्यादा चार्जेस हो, तो एक चार्जेस के लिए हम लोग दो, एक पेयर के लिए हमेशा पढ़ा है कि एक पेयर ऑफ चार्जेस होंगे तो उनके बीच में ही हमेशा इंटरेक्शन, कूलम्ब फोर्स पड़ा उसमें पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पड़ी तो उसमें भी यही पड़ा कि किसी पॉइंट पी पर टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, तो उस पर कोई चार्ज क्यू अगर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू होगी फोर्स अपॉन क्यू नॉट, यही तो पड़ा। फिर सॉल्व किया तो ये जाना कि एक्चुअली जिस पर लगा रहे हैं उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो हमेशा डिवाइड होकर के कट जाता है, और फॉर्मूला बन के चला आया KQ अपॉन R2, जहां पर Q कौन सा जो चार्ज लगा रहा है बस उसी Q को देखना है, बाकी जिस पे लग रहा है उसको तो देखना ही नहीं है, है ना। तो जब ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग तो हम लोगों को समझ में आता है कि ऐसे ही इसका मतलब है सर, E1 वेक्टर होगा, E2 होगा, E3 होगा, जहां E1 रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 ऑन P, जहां पर E2 रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 ऑन P, Q2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर जो लग रही है, और इसी तरीके से E4 होगा सर, और इसी तरीके से EI होगा सर, यही तो कहोगे भैया, है ना। अब फॉर्मूले के हिसाब से लिख देते हैं, पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे फिर सीखेंगे डायरेक्शन, K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, यही तो कहोगे। अब मैंने कहा नहीं, वेक्टर में ही लिखने का अलाउड है, तुम कहोगे या क्यूब कर दीजिए और यहां पर R1 वेक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, प्लस K Q2 यहाँ R2 वेक्टर मल्टीप्लाई करिए और R2 का क्यूब कर दीजिए, फिर K Q3 R3 वेक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए और R3 का क्यूब नीचे डिवाइड कर दीजिए, फिर K Q4 और R4 वेक्टर का मल्टीप्लाई और R4 का क्यूब नीचे डिवाइड, प्लस ऐसे करते करते पहुंचिए KQI, फिर लिखिए RI वेक्टर अपॉन RI का क्यूब। हाँ भाई गलत है क्या? फिर एक चीज पढ़ी थी समेशन, समेशन का कार्य क्या होता है? समेशन जब एक ही क्वांटिटी को बार 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 अलग अलग वैल्यूज को ऐड करना होता है तो हम समेशन देखते हैं, और साथ में ये भी तभी लगता है जब कुछ कॉमन होता है। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा इन सारे में कुछ चीजें कॉमन चल रही है, तो के कॉमन चल रहा है, के ही तो कॉमन चल रहा है, कुछ और कॉमन चल रहा है बताओ, के सिवाय कुछ कॉमन है इसमें नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हमने सारे चार्जेस को सेम कर दिया तब हम कह सकते हैं क्यू भी कॉमन, नहीं तो नहीं कह सकते हैं। तो क्या लग जाएगा? समेशन, क्या लग जाएगा? समेशन i = 1 से लेकर के जितना भी आप पुट करना चाहें, ठीक। क्यू आई का मतलब क्या? i की वैल्यू करके Q1 बन जाएगा, i की वैल्यू 2 होगी तो Q2 बन जाएगा, फिर RI वेक्टर अपॉन RI का क्यू। क्या भाई गलत है क्या? सही है क्या? सही है।
तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, ठीक है। जहां समेशन का मतलब होता है एडिशन, क्या होता है एडिशन, समझ में आया। तो हम समेशन कर लेंगे तो हमें सारे मिल जाएंगे। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के भाषा में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की भाषा में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं ई एट पी विल बी इक्वल टू समेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई, आई इज इक्वल टू वन से लेकर के, क्या भाई गलत है क्या ये? अरे ई वन प्लस ई टू, आई के लिए वन है तो ई वन हो गया, आई के लिए टू है तो ई टू हो गया, थ्री है तो ई थ्री हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या मैंने ये भी करके दिखा दिया और ये भी करके दिखा दिया, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। इसका मतलब है कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस आसपास होंगे तो घबराने कोई बात नहीं है, हमारे पास फॉर्मूले बने बनाए हैं, हम उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से आगे चलते समय करते हुए चलेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स लगवा देंगे देन यू विल फील कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है। और दूसरी भाषा में ये भी समझ लीजिए कि आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको कभी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जिसमें आपको R1 R2 इस तरीके से हो क्या वो सॉल्व ही ना हो पाए, ठीक है। हमेशा I J K के फॉर्म में मिलेगा, यानी कि X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, जिनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। जब आप वेक्टर पढ़ोगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ोगे, तो फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल करते टाइम हम खुद ही आपको बता देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि जितना अभी बताया गया है वो भूल जाओगे, तो जब मैं क्यू एन ए करूंगा, जो कि अगले हफ्ते आपका क्यू एन ए लगा हुआ है, इस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ खत्म हो जाएगा, फिर आपके आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, सीधे प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या जो हमने पढ़ा उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से ही स्ट्रक्चर चलेगा, पहले पढ़ेंगे जो भी हमें नॉलेज हुआ उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अपन को इतना समझ में आ गया, इसमें बार बार पूछ रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत है ए टू जेड कुछ भी इमेजिन करने में या समझने में? आराम से बताओ, इसमें कोई दिक्कत क्या? आगे जब दोबारा आएगा तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं रिवाइज कराऊंगा, इतने स्लो चल रहे हैं हम लोग कि अभी कोई दिक्कत हो सब कुछ देख लीजिए, समझ लीजिए, वेक्टर फॉर्म को क्लियर कर लीजिए। वेक्टर फॉर्म में कन्फ्यूजन बहुत होती है, देख करके मुझे बताइए कोई इसमें दिक्कत है। फिर हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नाम में ही आंसर है कंटिन्यूअस का मतलब कि लगातार है ना, देखो लगातार डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि बराबर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी तरीके के सरफेस पर। तो तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है वायर, यानी कि कोई भी वायर जो कि क्या हो किसी उसका कोई थिकनेस ना हो, बहुत ही थिन वायर, ठीक है, जैसे कि ये पाइप हो गई कैमरे स्टैंड की, ठीक है, जैसे कि ये एक वायर हो गया। तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पूरी लेंथ पर होगा, क्या होगा, पूरी लेंथ पर, ना कोई एरिया होगा ना कोई वॉल्यूम होगा, सिर्फ यहाँ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट होना है तो सिर्फ इस लंबाई पर ही हो सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, या अभी से बता रहे हैं, आपका ये टारगेट होना चाहिए सैटरडे संडे एंड मंडे, पांचवा लेक्चर है, यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड ऑन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि क्यू एन ए लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है। अब मुझे चेक करना है, बिकॉज आप कंटिन्यूअसली भूलेंगे तो हो चुका, फिर नहीं हो पाएगा, यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड कि आपको ये तीन दिन पढ़ने हैं, कुछ टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ और बहुत कम कंटेंट है, पांच लेक्चर जरूर हो गए हैं लेकिन मैंने कुछ खास पढ़ाया नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में एक एक लेक्चर खत्म हो जाएंगे अगर आप 2x पे देखोगे तो, क्योंकि तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी लगेंगी जो आपको ऑलरेडी आती हैं, जैसे चार्ज वाले लेक्चर जो है, पहला लेक्चर जो है, ठीक है, वो उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, जरूरी है ये, क्योंकि अब आगे जब बढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर एक ही बार पढ़ेंगे, वेटेज इतना हाई हो गया है एनटीए के आने के बाद कि इससे चार चार तक क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो हमें इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा रिवाइज करने आएंगे, ठीक है, करना है ताकि नेक्स्ट सेशन में जब मैं पीवाईक्यू लेकर के आऊं तो उस टाइम पर आपके आपसे मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, सिर्फ फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे होने चाहिए, जैसे अभी मैंने पढ़ाया और मैंने पूछा इसमें आप नहीं बता पाए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे बाकी सारा काम मैं खुद करके आपको दिखाऊंगा, हाउ टू अप्रोच, कैसे क्वेश्चंस को करना है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करे जाते हैं, वो सब काम, लेकिन फॉर्मूलेज में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे एटलीस्ट फॉर्मूलेज में आपका एफर्ट चाहिए कि मुझे सारी चीजें क्लियर हो विद कंसेप्ट, याद रखना। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया ये क्या होता है, हमेशा किसी एक लेंथ के ऊपर जो हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक वायर हो गया, ठीक है, ये एक वायर हो गया, मैंने कहा टोटल चार्ज मैंने क्यू इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने कहा ये वायर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का, कैसा है बेटा, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो एक डेंसिटी शब्द हमने पढ़ा है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि कभी भी चेंज नहीं होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि साइज ऑफ द मटेरियल क्या है, किसी एक मटेरियल के लिए डेंसिटी एक ही होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चाहे उस, जैसे मैंने कहा आयरन की डेंसिटी, तो आयरन की डेंसिटी फिक्स्ड है, वो चाहे आप चाहे एक रॉड के शेप में आयरन को ले लो, चाहे आप एक स्फेरिकल बॉल बना लो, उसका छोटा सा पीस निकाल कट करके निकाल लो, डेंसिटी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। और फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, वी नो द डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, राइट, यही तो होता है। तो जब हमारे पास वॉल्यूम नहीं है तो उस केस में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि हम मास की बात तो कर नहीं रहे हैं, बट जिस चीज की बात कर रहे हैं वो मास से बहुत जुड़ा हुआ है, जैसे कि चार्ज, चार्ज कभी मास के बिना नहीं हो सकता है, तो चार्ज का भी डेंसिटी हो सकता है, यस हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने ये लेंथ एल के लिए बात करी क्योंकि मैंने इसीलिए सिखाया था कि अगर मैं टोटल वॉल्यूम लूं या मैं छोटा सा पीस कट करके निकाल लूं उस पर भी वही डेंसिटी होगी जब पूरे सरफेस की डेंसिटी होगी या किसी भी लेंथ की डेंसिटी होगी। तो मैंने कहा इनफिनिट लेंथ का वायर है, उसका हमने सिर्फ और सिर्फ लिया एल लेंथ, तो उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, देखिए ध्यान से, ये देखिए लैम्डा से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, जितना चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया जितनी लेंथ पर, तो क्यू अपॉन एल से क्या मिल जाएगा हमें, बताइए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये क्या है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर चार्ज को डिफाइन करना हो तो हम लोग लैम्डा इनटू एल कर सकते हैं, है ना। और इसी प्रकार से अगर मैंने कहा कि मैंने एक छोटा सा पोर्शन कट कर लिया डी क्यू, जिस पर चार्ज कितना है डी क्यू, मैंने क्या सिखाया था, किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर स्मॉल डी लग जाए तो इसका मतलब है वो उस क्वांटिटी का एक छोटा सा हिस्सा है, वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल वैल्यू। तो मैंने कहा dq चार्ज है कितनी लेंथ पर, dl लेंथ पर, मैंने क्या बोला dl लेंथ पर, तो ये क्या है dl, dl मतलब जो आपका टोटल लेंथ है उसका एक छोटा सा हिस्सा, इस पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी वैल्यू कितनी है dq, चलो इसको कैपिटल q कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे अगर डेंसिटी निकालनी है क्या डेंसिटी यहाँ पर बदल जाएगी, तो मैंने इतनी देर से आपको जो सिखाया था उसके हिसाब से मैंने क्या बोला था, चाहे पूरी लेंथ ले लो, चाहे पूरी बॉडी ले लो, चाहे उसका थोड़ा सा टुकड़ा ले लो, डेंसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, समझ में आया। इसका मतलब है एक और फॉर्मूला बन सकता है dq will be equal to lambda into dl, इसका मतलब है अगर हमको क्या पता है, अगर हमको वायर का क्या जितने लेंथ का हमको क्या चाहिए चार्ज पता करना है, अगर वायर पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो मुझे पता है तो मैं कितने भी छोटे पोर्शन का चार्ज निकाल सकता हूँ, क्या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जब चार्ज पता है तो उस चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धीमे धीमे सोचोगे तो समझ में आएगा। तो मैंने कहा कि एक पॉइंट पी है उस पर इस dq चार्ज के कारण लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे, कहोगे सर अभी तो पढ़ाया था आपने, क्या पढ़ाया था सर ने आपके, सर ने पढ़ाया था k q upon r square, यही तो पढ़ाया मैंने, मैंने क्या पढ़ाया k q upon r square, ठीक। अब मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं और फिर से बनाऊंगा, मैंने कहा एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक,
मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक डी क्यू, मैंने क्या बोला डी क्यू चार्ज है हमारे डीएल लेंथ पर, ठीक, इसके कारण किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, जिस जो कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर है, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मेरी बात सुनना, मैंने कहा कि फॉर्मूले के हिसाब से तो बहुत ही सिंपल है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज, लिख दो क्या, ठीक है समझ में आया, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखा, तो इसका मतलब है इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखना होता तो क्या करते, इन वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं है अपने को, अपने पास तो r वेक्टर है और अपने पास तो इसको r क्यूब करने का भी तरीका है, कैसे किया हमने याद है ना, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया, यूनिट वेक्टर को कैसे करते हैं, उसके वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड से, तो लो भाई हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे ढेर सारे, अगर मैंने बोला कि बहुत बड़ा वायर है, ठीक है, और मैंने कहा कि ये इतनी दूरी पर है कि सब जगह से इसकी दूरी लमसम बराबर ही है, r के ही बराबर है, तो r कैन भी हम ले सकते हैं ना, कि r वेक्टर एक ही ले सकते हैं, तो ये कब करते हैं, ये जब हम कंडीशंस को क्या मान के चलते हैं, तो अगर हमें अभी मैं इस पे डेरिवेशंस पे नहीं आऊंगा, वी विल डिराइव इट, श्योरली हम इसको डिराइव करने वाले हैं, बट अभी के लिए अगर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना सीखना होगा तो मैं कहूंगा ये छोटा चार्ज छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा चार्ज छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, बड़ा चार्ज बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, तो इंटीग्रेशन मैं लिख सकता हूं क्या, के डी क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, गलत है क्या, गलत है क्या, बिल्कुल नहीं है गलत, है ना, बिल्कुल नहीं है गलत, ये हो गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट पॉइंट पी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, बस मैंने कहा मैग्नीट्यूड लिखूंगा, k लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर, क्या गलत कर दिया मैंने, सोचो आराम से सोचोगे कभी डर नहीं लगेगा, ठीक है, आराम से नहीं सोचोगे तो बहुत डर लगेगा, मैं अभी आपको फिर से बता रहा हूं कैसे किया मैंने, ये फिर से बताऊं, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, तो एक काम करते हैं ये हटा देते हैं, मैंने लिखा k q अपॉन r स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्यों लगाया, मैंने कहा डी क्यू के लिए किया था, डी इज इक्वल टू क्या था, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या करता है, बार बार डी क्यू लेता रहूंगा अलग अलग जगह पर, तो सब सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सबको जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक, अब इंटीग्रेशन लगा दिया, अब डी क्यू की वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी कहां पर, अरे ये सिखाई हुई है लैम्डा इंटू डीएल, उठा करके हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक, लैम्डा डीएल ऊपर आ गया नीचे आर स्क्वायर, मैंने वेक्टर नहीं लिखा हुआ इसलिए आर क्यूब नहीं है, क्या ये समझ में आया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू लिख लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया कि नहीं आया, ये ठीक। अब नेक्स्ट जो होता है उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हटा दें, नेक्स्ट है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ठीक, इसने किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, जैसे ये स्क्रीन है, ये एक पेन हो गई, इस पेन पर ये पूरे स्क्रीन पर ढेर सारे चार्जेस सब मिलकर के एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, तो एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, तो इस बार जो डेंसिटी हो जाएगी उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज को डिवाइड कर देंगे टोटल सरफेस एरिया से, तो अगर मैंने कहा कि इसका एक स्मॉल पोर्शन कट करके निकालो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डीए, इसका एरिया कितना हो जाएगा, डीए, और इस पे जो चार्ज होगा वो भी स्मॉल चार्ज होगा dq, राइट, तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन dA, या फिर मैं लिख सकता हूं dq इज इक्वल टू सिग्मा इनटू dA, क्या भाई कुछ गलत है क्या, लो भाई एक और बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से करूंगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू व्हाट, k इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, q, है ना, तो q क्या है तुम्हारा dq अपॉन r स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, है ना, वेक्टर नहीं लिख रहे हैं,
ठीक, तो डी क्यू को रिप्लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, के बताओ सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ओके, तो हमने पढ़ लिया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जो लास्ट पढ़ेंगे आज हम लोग वो कौन सा होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया, देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अब क्या होगा, एक हमने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, क्यूबॉइड ले लिया, कुछ भी ले लो, ठीक है। या सबसे बेटर क्या है, एक काम करो, लीव इट, एक स्फीयर ले लो, क्या ले लो, स्फीयर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्फीयर में आपने कह दिया कि आपका किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, क्या हो गया r वेक्टर हो गया, ठीक। अब मैंने कहा स्फीयर पे टोटल चार्ज आपने किया, अब मैंने कहा कि ये छोटा सा हमने निकाल लिया कट करके पीस, तो इसका वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, ये कैसा वॉल्यूम हो जाएगा आपका, dv वॉल्यूम, dv पे जो चार्ज होगा वो भी हो जाएगा छोटा चार्ज होगा dq, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका q, यहां पर हर जगह चार्ज है, मैंने कहीं चार्ज नहीं बनाया इधर, दिमाग होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक बेटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, या फिर डेंसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो हमने छोटा वॉल्यूम ले लिया तो उस वॉल्यूम में जो चार्ज होगा उसका रेशियो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है dq विल बी इक्वल टू रो इनटू dv, रो इनटू dv, ठीक है। अब यहां से फिर से निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू अगेन k dq अपॉन r स्क्वायर, यही तो होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, dq dq करते करते सारा ढेर सारा करेंगे, जब तक हमें सारे चार्जेस नहीं मिल जाते हैं उनको ऐड करना है, उनके से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन इसीलिए लग जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जा रहा है, k इंटीग्रेशन क्या जाएगा, रो बताओ dv upon r square, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये हो गया, ठीक है। इसका और क्या नाम हो सकता है, चार्ज पीरियड वॉल्यूम, ठीक। सिग्मा के लिए क्या होगा, चार्ज पीरियड एरिया, और लैम्डा के लिए होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन साथ साथ सीख लिया हम लोग ने, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया, जिससे कि हम लोग को अलग अलग शेप जब सॉल्व करी, जैसे रिंग हो गई आपकी, है ना, तो रिंग में क्या होगा, अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ कौन सी डेंसिटी लगेगी। अगर रिंग को कट करके स्ट्रेट कर दे तो एक लेंथ बनेगी, यानी कि यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लग रही है, इसका कोई एरिया नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब धीमे धीमे चीजें आपको समझ में आएंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको ये समझ में आया ना। देखो अभी तुरंत एक एप्लीकेशन दे दिया, मैंने कहा एक रिंग है जिस पर टोटल चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो चार्ज तो आपको पता है क्या होते हैं, सब चाइनीज होते हैं, एक दूसरे की तरह ही दिखते हैं, तो क्या होगा, सब बराबर ताकत के होते हैं, तो पूरी रिंग पे फैल जाएंगे। मैंने कहा कि इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर क्या है, एक्सिस पे लाई करता है कोई एक पॉइंट पी, उस पर इस रिंग के कारण क्या निकालो, इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक। तो क्या करोगे तुम, पूरी रिंग सॉल्व करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। आपने कहना है कि सर हमने ले लेना है dl लेंथ, और उस पर चार्ज ले लेना है हमने dq, और लैम्डा dl करके हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे होगा ये, अगली क्लास में हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। अगली क्लास में चांस, देयर इज हाई चांसेस कि मैं पहले कंटेंट रोक करके पीछे के Q&A करा दूं, ठीक है।
अगर कल हम लोग मिल सकते हैं तो कल एक Q&A सेशन वी कैन डू इट, एक क्लास रख सकते हैं जिसमें हम लोग कूलम्स लॉ के ऊपर एक Q&A कर ले, ठीक है? और ऑन ट्यूसडे हम लोग जो है वी कैन कंटिन्यू दिस टॉपिक, ठीक है? चलिए तो कल का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, थैंक यू, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? ओके।